हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। तो लास्ट टाइम वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो वी हैव सीन दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मेनली क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, सिंप्लेक्स सिस्टम एंड डुप्लेक्स सिस्टम। अंडर द डुप्लेक्स सिस्टम वी हैव ऑल्सो सीन द फर्दर टू क्लासिफिकेशन, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम and full duplex system. Now we are going to move ahead in this particular unit. When we have studied the block diagram of electronic communication system, under that we have studied that when your information is traveling over communication channel or medium, then noise is come and attack in our information signal. There are various causes of noise present in atmospheric condition. So such type of noise will create disturbance in our information signal while it is traveling from one place to another over communication channel or medium. So today's topic is noise and what are the different types of noise which are affecting our information signal when it is traveling over communication channel or medium. तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो नॉइस के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉइस क्या चीज है और जब नॉइस जब हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रेवल कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो नॉइस किस तरीके से अटैक करती है और कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइसेस है जो हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को डिस्टर्ब करती है। तो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि नॉइज क्या है। नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल। सबसे पहली बात तो नॉइज जो है वो हम लोग को चाहिए नहीं होता है, वो अनवांटेड सिग्नल है जो हम लोग को नहीं चाहिए। अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस विच गिव राइज टू ऑडिबल और विजुअल डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉइज जो है वो अनवांटेड सिग्नल है और ये अनवांटेड सिग्नल क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल, हमारी जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है कम्युनिकेशन की, उस सिग्नल को क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है। और ये डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन हम लोग भेज रहे रिसीवर तक, वो प्रॉपरली एग्जैक्टली जैसा सेंडर ने भेजा था वैसा रिसीव नहीं हो पाती है, एंड एरर्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन। तो दिस नॉइज इज नथिंग बट इट इज क्या है, ये एरर है डिजिटल कम्युनिकेशन में, ये क्या है, एरर है। तो सबसे पहले तो नॉइज आप लोग को क्लियर कर लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज। तो नॉइज क्यों आता है कम्युनिकेशन में, क्या होता है। तो नॉइज के देखिए बहुत सारे कॉजेज है, वो बहुत सारे कॉजेज अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये आप लोग को क्लियर कर लेना है कि नॉइज जो चीज है वो हम लोग वो रैंडमली जनरेट होता है एनवायरमेंट, वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बहुत सारे कॉजेस, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं नॉइज जनरेट होने के। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप अपने सिस्टम को इतना अच्छा बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए कि उस पर्टिकुलर नॉइज का इफेक्ट जो है हमारी इंफॉर्मेशन पे वो कम हो। हम ये चीज कर सकते हैं, ये चीज स्टडी कर सकते हैं। हम नॉइज को कम्प्लीटली मना तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं सकते, लेकिन सम हाउ उसका इफेक्ट जो है वो किसी तरीके से पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हम लोग का ये परी स्टडी होती है कम्युनिकेशन फील्ड में। तो नॉइज जो है वो क्या है, इट इज एन अनवांटेड सिग्नल, रैंडमली जनरेटेड सिग्नल विच विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन अवर इंफॉर्मेशन सिग्नल व्हाइल इट इज ट्रैवलिंग अवर कम्युनिकेशन चैनल। तो आपको इसी तरीके से डिफाइन करना है। अगर क्वेश्चन आया डिफाइन नॉइस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइस, तो नॉइस इज नथिंग बट इट इज एन अनवांटेड रैंडमली जनरेटेड सिग्नल विच विल कॉज क्या करेगा, विच विल कॉज डिस्टर्बेंस, जो हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल में क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, विच विल कॉज डिस्टर्बेंस इन अवर इंफॉर्मेशन सिग्नल व्हाइल, कब, व्हाइल इट इज ट्रैवलिंग ओवर कम्युनिकेशन चैनल। जब हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रैवल कर रही होती है तो नॉइज जो है वो अनवॉन्टेड रैंडमली जनरेटेड सिग्नल है, वो क्या करेगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल में। यानी एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीवर को नहीं रिसीव हो पाएगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर एडिशन डिस्टर्बेंस उसको मिलेगा, उसकी वजह से उसकी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाएगी। ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है जब फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल भी कभी यूज करते हैं, टेलीफोन, पहले लैंडलाइन जब यूज करते थे
तो लैंडलाइन में जो इन्फॉर्मेशन जो जाती थी वो अपनी वायर के थ्रू जाती थी करंट के फॉर्म में। तो अक्सर वायर के कहीं पे ब्रेक होने की वजह से या कुछ पर्टिकुलर कोई चीज होने की वजह से तो वो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन अब वायर के थ्रू कैरी हो रही थी वो प्रॉपरली फिर नहीं हो पाती है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, अपने को कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस सुनने को मिलता है। तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग को बहुत इरिटेशन होता है और ये इरिटेशन की वजह से जो रिसीवर है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव कर पाता जैसा सेंडर ने भेजा था। तो ये चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो गई कि नॉइस का मतलब क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस। तो सबसे पहले नॉइस के दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज इंटरनल नॉइस। अब ये दो क्लासिफिकेशन किसकी वजह से है, एक्सटर्नल नॉइस और इंटरनल नॉइस किसकी वजह से। एक्सटर्नल नाम से ही मालूम पड़ता है, यानी वो नॉइस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बाहर से जनरेट हो रही है। तो सच टाइप ऑफ नॉइस आर नोन एज एक्सटर्नल नॉइस, यानी द नॉइस विच आर जनरेटेड आउटसाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सच टाइप ऑफ नॉइस आर नोन एज एक्सटर्नल नॉइस। मतलब अब जो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराने के लिए, तो वो पर्टिकुलर सर्किट के अंदर की वजह से नहीं, आउटसाइड इन्वायरमेंट की वजह से, यानी वो पर्टिकुलर आउटसाइड की इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो नॉइस आउटसाइड जनरेट होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, उस पर्टिकुलर नॉइसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉइस। तो अंडर द एक्सटर्नल नॉइस यू कैन सी द थ्री क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एटमोस्फेरिक नॉइस, मैन मेड नॉइस एंड एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस। तीनों के बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा भी समझा दूं इंटरनल नॉइस के बारे में। अब इंटरनल नॉइस क्या होगा, यानी वो नॉइस जो जनरेट होती है इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सच टाइप ऑफ नॉइस आर नोन एज इंटरनल नॉइस। बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी ऑल दोस नॉइस विच आर जनरेटेड इनसाइड, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंपोनेंट यूज होने की वजह से, उसके डिस्टर्बेंस यूज होने की वजह से, उसके अंदर इंटरनल कॉज होने की वजह से जो नॉइस जनरेट होती है, तो दोस ऑल नो नॉइस आर नोन एज इंटरनल नॉइस। यानी वो जो नॉइस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जनरेट हो जाए उसको बोलेंगे इंटरनल नॉइस, और वो जो नॉइस आउटसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट हो जाए उसको बोलेंगे एक्सटर्नल नॉइस। तो ये मेन दो क्लासिफिकेशन हो गया आपका। अब इंटरनल नॉइस में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होने की वजह से होते हैं। इसमें अलग अलग नाम दिया हुआ है, शॉर्ट नॉइस, थर्मल नॉइस, ट्रांजिट नॉइस, फ्लिकर नॉइस, पार्शन नॉइस। तो ऑल दिस नॉइसेस जो आपको दिख रहा है इधर पे मेंशन किया हुआ है, वो इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूज होने के वजह से, कुछ उसके अंदर पर्टिकुलर कॉज होने की वजह से, कुछ रीजन होने की वजह से जो डिस्टरबेंस होता है उस डिस्टरबेंस को बोलते हैं इंटरनल नॉइस। अब हम लोग वन बाय वन करके आगे पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल नॉइस में जो इधर पे नाम जो दिया हुआ है, एटमोस्फेयरिक नॉइस, मैनमेड नॉइस, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस, वो क्या है, वो अभी हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम लोग, पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक्सटर्नल नॉइस के बारे में, सॉरी एक्सटर्नल नॉइस में, एटमोस्फेरिक नॉइस में आ जाते हैं। अब एटमोस्फेरिक नॉइस नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एटमोस्फेरिक नॉइस मतलब क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, यानी वो जो नॉइस जो जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ सम एटमोस्फेरिक कंडीशन, सच टाइप ऑफ नॉइस आर नोन एज एटमोस्फेरिक नॉइस। अब एटमोस्फेयर में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे इधर पे मेंशन किया हुआ है, दिस नॉइस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पटरिंग, क्रैकिंग लाउड स्पीकर्स ऑफ रेडियो इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक नॉइस। अब यहाँ पे मेन रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एटमोस्फेयर कंडीशन की वजह से जो नॉइस जनरेट हो रही है उसको एटमोस्फेरिक नॉइस बोलते हैं। अब एटमोस्फेरिक कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, एक तो देखो नेचुरल कॉज भी हो सकता है। नेचुरल कॉज फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अभी जैसे रेनी सीजन के टाइम में जो लाइटनिंग वगैरह होती है, लाइटनिंग थंडरिंग वगैरह जो होती है, तो जो उसकी वजह से भी नॉइस, बहुत ज्यादा नॉइस जनरेट होती है, और वो नॉइस की वजह से हमारी जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करी होती है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करी होती है। इन वायरलेस कम्युनिकेशन हमारी जो इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो रेडियो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये एटमोस्फेरिक कंडीशन की वजह से, लाइटनिंग वगैरह थंडरिंग होने की वजह से जो नॉइज जो जनरेट होती है, फिर वो नॉइज क्या करेगी, हमारी रेडियो वेव्स को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो एक ये रीजन हो गया। और दूसरा यहाँ पे इधर पे मेंशन किया हुआ है
बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन नेचर ऑल्सो, ह्यूमन की वजह से भी जो यूज बनाई हुई चीजें है, लाउड स्पीकर का जो जो से बजना एटमोस्फेरिक कंडीशन में, क्रैकिंग जो आप इधर पे जो यूज होता है, जो क्रैकिंग वगैरह फायरवर्क्स वगैरह जो यूज किया जाता है, तो ये सारे पर्टिकुलर कॉजेस क्या बनते हैं, जो एटमोस्फेरिक कंडीशन में जो नॉइज जनरेट होते हैं, तो दैट ऑल कैटेगराइज अंडर द एटमोस्फेरिक नॉइज. तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको वही देना है, द नॉइज विच आर जनरेटेड ड्यू टू एटमोस्फेयरिक कंडीशन सच एज लाइटनिंग, थंडरिंग, क्रैकिंग, स्पटरिंग, ऑल दीज नॉइज आर कम्स अंडर द एटमोस्फेयरिक नॉइज. इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया. सेकेंड, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैंशन दिया हुआ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब ये होता है आउटसाइड लैंड, जो अर्थ के बाहर है. तो अर्थ के बाहर जो चीज कौन कौन सी है, आज के बाद जो चीज बनती है वो सन है, मून है, डिस्टेंट स्टार है. तो ये पर्टिकुलर सब भी क्या बनते हैं, कॉजेस बनते हैं. अब सन की वजह से कैसा, अब कंटिन्यूसली सन के रेडिएशन होने की वजह से, सोलर रेडिएशन होने की वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं. तो पैरामीटर चेंजेस होने की वजह से भी अब जो उसको इंफॉर्मेशन कैरी करना था, जो ओरिजिनल वैल्यू में, उसकी वैल्यू डिस्टर्ब होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. तो ये रीजन भी बनता है हमारा एक्सटर्नल नॉइज में. अब ये एक्सटर्नल चीज की वजह से हो रही ना, सन और ये मून ये सब एक्सटर्नल चीज है, ये इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से नहीं है. लेकिन जब आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है स्पेस में, तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस स्टार, डिस्टेंस सन, डिस्टेंस मून, द पैरामीटर जो हमारी इन्फॉर्मेशन की जो ओरिजिनल वैल्यू जो पैरामीटर है वो क्या हो जाती है, उसके बिहेवियर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. और बिहेवियर में चेंज होना मतलब माने इन्फॉर्मेशन को क्या होना, डिस्टर्ब होना. तो नॉइज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड द आउटर स्पेस इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल का मतलब मालूम पड़ गया, टेरिस्ट्रियल मतलब जो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, टेरिस्ट्रियल मतलब अर्थ, अर्थ से रिलेटेड चीज, और एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मतलब आउटसाइड अर्थ. तो आउटसाइड अर्थ में क्या आता है, सन आता है, मून आता है, तो ये सब चीज आती है. तो नॉइज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड द आउटर स्पेस, एंड द आउटर स्पेस, स्पेस के बारे में दिया हुआ, आउटर स्पेस इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. तो ये सब जो नॉइज जो जनरेट होगी बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स, तो इन सबको बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. लास्ट है हम लोग के पास इधर पे जो मेन जो इधर पे दिया हुआ है, इसको मैन मेड नॉइज भी बोलते हैं और इंडस्ट्रियल नॉइज भी बोलते हैं. मैन मेड नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज मतलब इंसान ने जो खुद की बनाई हुई चीज जो कॉज बन रही है नॉइज के लिए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान ने क्या बनाया हुआ है, इंसान ने एरोप्लेन बनाया हुआ है. एरोप्लेन अभी जब एटमोस्फेयर में जब उड़ता है, एयरक्राफ्ट का जब इग्निशन होता है, तो कितनी जोर से साउंड आती है. तो ये सब साउंड भी क्या करती है, हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है. एयरक्राफ्ट इग्निशन, तो ये सब चीज जो मैन मेड की वजह से, अब और बहुत सारी जो इंडस्ट्री में जो काम होता है उसकी वजह से जो जोर से नॉइज जो जनरेट होती है, तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी को बोलते हैं मैन मेड नॉइज और इंडस्ट्रियल नॉइज. द नॉइज विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन, यानी जो ह्यूमन ने इन्वेंट किया है उसकी वजह से जो नॉइज जनरेट हो रही है, कॉज हो रही है, तो सच टाइप ऑफ नॉइज आर नोन एज इंडस्ट्रियल नॉइज और मैन मेड नॉइज. तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द मैन मेड नॉइज इज जनरेटेड ड्यू टू मेक एंड ब्रेक प्रोसेस इन अ करंट कैरिंग सर्किट. अब जितनी भी इंडस्ट्रियल चीजें बनाएगा इंसान जो बनाएगा, वो जाहिर सी बात है सब इलेक्ट्रॉनिक चीज के ऊपर वर्क करने वाली चीज बनाएगा. एरोप्लेन हो गए, एयरक्राफ्ट इग्निशन हो गए, और जो भी इंडस्ट्री के जो भी मशीनरी यूज होती है, आप देखते हो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है. तो समवेयर देयर आर ऑल्सो मोर नॉइजी, कुछ इन्वायरमेंट जो होता है बहुत ज्यादा नॉइजी भी हो जाता है काम करने में उनके, प्रोसेस करने में उनके. तो ऑल दिस आर कैटेगराइज अंडर द इंडस्ट्रियल नॉइज. यानी वो सारी नॉइसेस जो जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन, ह्यूमन इन्वेंशन की वजह से, तो वो ह्यूमन इन्वेंशन की जो नॉइज होने की वजह से जो जनरेट हो रही है, तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन मेड नॉइज और इंडस्ट्रियल नॉइज. आई होप आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रही होगी. एवरीबॉडी प्लीज गेटिंग? यस सर. आप लोग है यहाँ पे? हाँ. तो द नॉइज विच आर जनरेटेड आउटसाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितनी भी नॉइज जो है वो आउटसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जनरेट होती है, तो सारे नॉइज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉइज. और वो नॉइज जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जनरेट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉइज. अब एक्सटर्नल नॉइज में आप बताइए कौन कौन से क्लासिफिकेशन है.
तो एक्सटर्नल नॉइज में क्लासिफिकेशन क्या क्या है, एटमोस्फेरिक नॉइज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज, मैनमेड नॉइज. अब थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इसका भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. एटमोस्फेरिक नॉइज के बारे में, द नॉइज विच आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ सम एटमोस्फेरिक कंडीशन सच एज लाइटनिंग, थंडरिंग एक्सेट्रा आर नोन एज एटमोस्फेरिक नॉइज. फिर दूसरा बताइए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज, द नॉइज विच आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस सन एंड मून, सच टाइप ऑफ नॉइज आर नोन एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. फिर लास्ट बताइए मैनमेड नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो, द नॉइज विच आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन सच एज एयरक्राफ्ट इग्निशन और मोटर के होने की वजह से भी, मोटर के भी वजह से बहुत नॉइज जनरेट होता है बिकॉज ऑफ सम मोटरिंग, सच टाइप ऑफ नॉइज आर नोन एज मैनमेड नॉइज और इंडस्ट्रियल नॉइज. तो आई होप यू हैव बीन क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉइज. नाउ वी आर गोइंग मूव फर्दर टुवर्ड्स इंटरनल नॉइज. अब इंटरनल नॉइज के बारे में मैंने आपको सिर्फ वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं. कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया. तो ऑल दिस कंपोनेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ नॉइस व्हेन दे आर चेंजिंग इन द बिहेवियर. जैसे जैसे उनका यूज होते जाता है, तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अपना बिहेवियर क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं. विद दैट आप देखते होगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जब यूज होती रहती है, कंटिन्यूसली यूज होती रहती है, तो समहाउ उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज होता है, खराब हो जाता है, फिर हमको उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज होती रहती है, तो ओवर द टाइम दे चेंजेस देयर बिहेवियर. जैसा उनका ओरिजिनल बिहेवियर रहता है रिस्पॉन्ड करने का, वो उसका ओरिजिनल बिहेवियर से वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो जैसा भी अगर स्लाइटली भी चेंज हुआ, तो वो चेंज होने की वजह से अब एग्जैक्ट जो अमाउंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका उनका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया. जैसा उनको रिस्पॉन्ड करना था, जैसा उनको काम करना था, वैसा वो काम नहीं कर पाएंगे. अब उनके थोड़े से भी बिहेवियर में चेंज होने की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली फिर क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, थोड़ा उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा. तो द नॉइस विद इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट आर कॉल्ड एज इंटरनल नॉइस. यानी वो सारी नॉइसेस जो इंटरनली कॉज होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सर्किट में, तो सच टाइप ऑफ नॉइस आर नोन एज इंटरनल नॉइस. अब इंटरनल नॉइस में मैंने डिटेल में आप लोगों को वहां पे क्लासिफिकेशन में दिखाया था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है नॉइस के. शॉर्ट नॉइस नाम का है, ट्रांजिट टाइम नॉइज है, थर्मल नॉइज है. तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बिहेवियर के ऊपर के हिसाब से दिए हुए. मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ. मैं अभी इसके लिए आपको MSBT का आंसर सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है और क्या फॉर्म में कितने मार्क्स का वेटेज आता है और कितना पूछता है. तो मैं आपको उसका MSBT का दिखाता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ. तो ऑल ऑफ यू कैन सी इन दिस स्क्रीन. सो दिस इज द मॉडल आंसर सोल्यूशन ऑफ MSBT. ये MSBT का क्वेश्चन है, मॉडल आंसर सोल्यूशन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट में पूछा हुआ है, एक्चुअली ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी फर्दर दो टाइप्स है. अभी यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमरिकल पूछा हुआ है 3 मार्क्स का. और जो अभी हम लोग को जो देखना है, जो हम लोग को ध्यान देना है, जिसके लिए मैं आपको इधर पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा. Explain the types of noise in communication system. The screen is visible ना, कि मुझे उसको और zoom करना पड़ेगा. Yes, sir. दिख रहा है ना सब लोगों को, it is visible. विजिबल है? हाँ सर. ओके ओके. सो यहाँ पे आप लोग को इधर पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम. अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ गया. अब ये जो क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स में भी फर्दर अब ये डिवाइड हुआ है. ये 3 मार्क्स का आपको न्यूमरिकल नजर आएगा, 2 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का न्यूमरिकल है ये, और ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. तो जो अभी हम लोग के 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, मैं आपको उसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. एक तो ये आपको नजर आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम. दूसरा आपको ये नीचे नजर आएगा, ये मेरा लास्ट टाइम का एक्सप्लेन किया हुआ टॉपिक है, कंपेयर सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स
मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दोनों भी टॉपिक्स जो हम लोग ने कवर किए अभी के ये दो लेक्चर में, तो दोनों भी बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है, पूछा हुआ है फॉर 2-2 मार्क्स। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज ऑल्सो आस्क फॉर 2 मार्क्स। एंड कंपेयर सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो आस्क फॉर 2 मार्क्स। नाउ अब इसके बारे में समझा दूं कि जब आपको टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम पूछा है तो आपको कितना आंसर देना है, कितने टाइप्स एक्सप्लेनेशन करना है, इट इज आस्क फॉर 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था, तो आप 2 मार्क्स के लिए पूछा था तो आपको इधर पे दिया हुआ रहेगा 2 मार्क्स फॉर नॉइस, 2 मार्क्स फॉर कंपेरिजन और एनी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। अब आपको भी इधर पे टाइप्स ऑफ नॉइस में भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब टाइप्स ऑफ नॉइस में भी फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्लेनेशन दे दिए एक्सटर्नल नॉइस इंटरनल नॉइस के बारे में, फिर उसके बाद में उसके 2-2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। तो इन दिस वे इफ यू हैव एक्सप्लेन द 4 पॉइंट्स ऑफ नॉइस दैट इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स। तो डिटेल में आपको पूरा एकदम भरते नहीं जाना है, जो हिसाब से आपको क्वेश्चन आता है वो हिसाब से आपको आंसर देना है, जितना वेटेज रहता है उस वेटेज के हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, मुझे वो एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो सबसे पहले यहाँ पे नॉइस का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सबसे पहले नॉइस के बारे में इधर पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नॉइज इज एनी स्पूरियस और अनडिजायर्ड डिस्टर्बेंस दैट मार्स द रिसीव सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी देखो ये ज्यादा टेक्निकल हो गया, अब ये बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं आपको इसका सिंपल टर्म में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे बता रहे नॉइज इज एनी स्पूरियस और अनडिजायर्ड डिस्टर्बेंस, जैसा मैंने आपको बताया था नॉइज इज एन अनवांटेड रैंडमली जनरेटेड, आप उसको इस तरीके से भी समझा सकते हो। यहाँ पे मोर टेक्निकल टर्म यूज किया है स्पूरियस और अनडिजायर्ड डिस्टर्बेंस करके। अब यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ, डेट मास द रिसीव सिग्नल। अब यहाँ पे डेट मास माइनस के लिए आपको ये भी समझाया था दैट डिस्टर्ब द इन्फॉर्मेशन सिग्नल, सिंपल लैंग्वेज आप इस तरीके से बता सकते हो दैट डिस्टर्ब द आवर इन्फॉर्मेशन सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सिंपल टर्म में आप अगर नॉइज का एक्सप्लेनेशन देना है तो आप किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, नॉइज इज एन अनवांटेड रैंडमली जनरेटेड सिग्नल दैट डिस्टर्ब्स आवर इंफॉर्मेशन सिग्नल व्हाइल इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन इसको नॉइज का दे देना। फिर दूसरा अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन सब दिया एटमोस्फेरिक नॉइज के बारे में, इंडस्ट्रियल नॉइज के बारे में, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज के बारे में, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन उसके इसमें फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे इसका भी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। एटमोस्फेरिक नॉइज के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एटमोस्फेरिक नॉइज इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक नॉइज। एटमोस्फेरिक नॉइज को स्टैटिक नॉइज भी बोलते हैं, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जो नेचुरल कॉज की वजह से डिस्टर्ब होता है, कॉज बाय जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लाइटनिंग, डिस्चार्ज ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड द नेचुरल डिस्टर्बेंस अकरिंग इन द नेचर। तो एटमोस्फेरिक नॉइज जो है वो नेचर के कॉज की वजह से जो नॉइज जनरेट होती है उसको बोलते हैं एटमोस्फेरिक नॉइज। तो नॉइज विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ नेचर कॉजेस सच एज लाइटनिंग, डिस्चार्ज ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर नोन एज एटमोस्फेरिक नॉइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटमोस्फेरिक नॉइज का रीजन मेन क्या है, तो एटमोस्फेरिक नॉइज का मेन रीजन यही है कि जो नेचर की वजह से जो नॉइज जनरेट होती है उस पर्टिकुलर नॉइज को बोलते हैं एटमोस्फेरिक नॉइज। और एग्जाम्पल में आप ये सब 2-3 नाम गिना सकते हो, लाइटनिंग, डिस्चार्ज इन थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा। फर्दर इसके बाद हम लोग ने देखे थे इंडस्ट्रियल नॉइज जिसको मैनमेड नॉइज भी बोलते हैं, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो जो मैंने आपको समझाया वही सब दिया हुआ है। सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज आर ऑटोमोबाइल्स, इट्स अ मैनमेड डिवाइस, मैनमेड चीज है ना, मैनमेड इन्वेंशन है, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, इग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड स्विच गियर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज किसमें आ गए, इंडस्ट्रियल नॉइज में आ गए, यानी वो सारे नॉइज जो ह्यूमन इन्वेंशन की वजह से कॉज हो रहे दैट आर नोन एज इंडस्ट्रियल नॉइज, और उसको मैनमेड नॉइज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल नॉइजेस आर ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, इग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड स्विच गियर एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज के बारे में समझाया था, नॉइज एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनेटिंग सोर्स, दे आर सोलार नॉइज और कॉस्मिक नॉइज। सोलार नॉइज मतलब जो सन की वजह से होता है, कॉस्मिक नॉइज मतलब जो किसकी वजह से होता है, इग्निशन मतलब चलना, जब वो अपन उसको स्टार्ट करते हैं, इग्निट, इग्निट मतलब कोई चीज को स्टार्ट करना, तो मोटर को स्टार्ट किए, एयरक्राफ्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से जो स्टार्टअप में आवाज आती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, इग्निट मतलब स्टार्ट करना, जैसे अभी हम लोग इसको मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में कैसे वो आवाज देता है, साउंड लेता है, उसी तरीके से एयरक्राफ्ट को भी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो जो चीज स्टार्ट होने में उसको इग्निट बोलते हैं, इग्निट मतलब स्टार्टअप, जो चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये हो गया आप लोग का एक्स्ट्रा टेरिस्टल नॉइस के बारे में, मतलब क्या होता है, द नॉइस विच आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, सोलार, सोलार की वजह से यानी सन की वजह से, कॉस्मिक मतलब मून की वजह से, तो ये नॉइस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरिस्टल। एक्स्ट्रा टेरिस्टल, एक्स्ट्रा टेरिस्टल मतलब ये हो गया स्पेस, स्पेस वाली चीज जो आउटसाइड अर्थ है। टेरिस्ट्रियल मतलब जो अर्थ में रहते हैं हम लोग, जो लिविंग बींग, हम लोग टेरिस्ट्रियल है। यस यस, अफान आपका वीडियो दिख रहा है, थैंक यू। तो ये हो गया आप लोग का इधर पे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस के बारे में। और इंटरनल नॉइस के बारे में मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, इंटरनल नॉइस आर द टाइप्स ऑफ नॉइस विच आर जनरेटेड इंटरनली और विद इन कम्युनिकेशन सिस्टम और इन द रिसीवर। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको वही दिया था, द नॉइस जो इंटरनली जनरेट होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, तो वो नॉइस को क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉइस। अब यहाँ पे देखो डिटेल में आ गया हो, जो आपको मैंने वहां पे क्लासिफिकेशन दिखाया था शॉर्ट नॉइस। तो ये सब जो नॉइस जो होते हैं ना, वो अंदर बिहेवियर, जो कंपोनेंट के बिहेवियर के अंदर, अब कंपोनेंट के अंदर क्या क्या यूज है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो डायोड, डायोड के अंदर क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सब चार्ज कैरियर्स है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं, तो उनके बिहेवियर में वो चार्ज कैरियर्स के चेंजेस के होने के बिना पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होती है, इंटरनली नॉइज जनरेट होती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले शॉर्ट नॉइज दिया हुआ है, दिस नॉइज राइजेस इन द एक्टिव डिवाइसेस। अब एक्टिव डिवाइस कौन सा होता है, एक्टिव डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर हो गया जिसको पावर सप्लाई चाहिए, एक्टिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस जैसे रजिस्टर होता है, वो सब पैसिव डिवाइसेस है। एक्टिव डिवाइसेस जैसे जिसको पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई चाहिए तो आप लोग का इधर पे ट्रांजिस्टर आ गया, डायोड आ गया, तो दिस ऑल आर नोन एज एक्टिव डिवाइसेस। सो दिस नॉइजेस राइजेस इन द एक्टिव डिवाइसेस ड्यू टू रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल और कैरियर्स। वही बताया, ड्यू टू रैंडम बिहेवियर, अब उनके बिहेवियर में चेंज होने की वजह से चार्ज पार्टिकल और कैरियर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्यूब, शॉर्ट नॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू रैंडम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड्स। अब ये अलग से इधर पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्यूब के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्यूब के बारे में मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से इमिट होते हैं, तो उनके रैंडम इमिट होने की वजह से, रैंडम इमिशन होने की वजह से वो जो नॉइज जनरेट होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट नॉइस। तो ये इंटरनल की बात हो रही है, अंदर कंपोनेंट के बिहेवियर के अंदर की बात हो रही है, यानी जो कंपोनेंट यूज हो रहा है एक्टिव डिवाइसेस में, जैसे ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, डायोड यूज हो रहा है, तो उनके अंदर इंटरनल बिहेवियर चेंज होने की वजह से जो नॉइज जनरेट हो रही है, तो सच ऑल नॉइज आर नोन एज इंटरनल नॉइज। तो उसी में से एक एग्जांपल ये हो गया शॉर्ट नॉइज। तो शॉर्ट नॉइज के बारे में मतलब ये होता है कि देयर आर चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज पार्टिकल और कैरियर के बिहेवियर चेंज होने की वजह से उस पर्टिकुलर नॉइज को बोलते हैं शॉर्ट नॉइज। दूसरा यहाँ पे आपको टाइम दूसरा टाइप नजर आएगा पार्टीशन नॉइज। अब ये पार्टीशन नॉइज क्या होता है, नाम से ही मालूम पड़ा है, पार्टीशन यानी जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो दो पार्ट में डिवाइड होने की वजह से, उस पार्टीशन होने की वजह से भी सम टाइप ऑफ नॉइज जनरेट होती है, तो उस नॉइज को बोलते हैं पार्टीशन नॉइज। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन अ सर्किट इज टू डिवाइड इन बिटवीन टू और मोर पाथ्स। समझ में आया, जब आपको सर्किट को डिवाइड करना है बिटवीन टू और मोर पाथ्स, दो और दो से ज्यादा पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड करना सर्किट को, देन द नॉइज इज जनरेटेड इज नोन एज पार्टीशन नॉइज। तो उस पर्टिकुलर डिवीजन में एक टाइप की जो नॉइज जनरेट होती है, तो उस नॉइज को बोलते हैं पार्टीशन नॉइज। द रीजन फॉर द जनरेशन इज रैंडम फ्लक्चुएशन द डिवीजन, यानी आपने क्या किए, अब वो रैंडमली बिहेवियर चेंज हुआ ना, मतलब पहले कोई डायरेक्शन में मूव हो रहे थे आपके चार्ज कैरियर, चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया, आपने उसको दो अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अचानक से वो जो डिवीजन होने की वजह से देयर इज सम अमाउंट ऑफ नॉइज जनरेटेड एंड दैट नॉइज इज नोन एज व्हाट, पार्टीशन नॉइज। ये सब अंदर की बात है, इंटरनल बिहेवियर की बात है, मतलब एकदम डीप कॉन्सेप्ट है ये सब चीज। मैं आपको फिर भी मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको तो सिर्फ पेपर में क्या करना है, आपको तीन चार पेपर में आपको नॉइज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, जिसमें आपका मेन चीज क्या है, आप मेन चीज आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो इंटरनल नॉइज के बारे में, एक्सटर्नल नॉइज के बारे में, और फिर एक्सटर्नल के तीन टाइप्स एक्सप्लेनेशन दे दो। एक्सटर्नल के तीन टाइप बहुत आसान है, जो एटमोस्फेरिक नॉइज हो गया, मैनमेड नॉइज हो गया, और एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज हो गया। फर्दर और भी आपको अगर डिटेल में पूछ रहा है, तो मैं आपको इधर पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इंटरनल के बारे में भी। तो इंटरनल के बारे में आपका शॉर्ट नॉइज हो गया, पार्टीशन नॉइज हो गया, इसी तरीके से फर्दर यहाँ पे दिया हुआ है लो फ्रीक्वेंसी नॉइज। तो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लिकर नॉइज, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज आर ऑल्सो नोन एज फ्लिकर नॉइज। दिस टाइप्स ऑफ नॉइज आर जनरली ऑब्जर्व एट अ फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो फ्यू किलोहर्ट्ज। अब इसका नाम ही है लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज यानी वो पर्टिकुलर नॉइज जो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब आप लो फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज कर रहे हो। लो फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ्यू किलोहर्ट्ज,
क्या होता है इसके अंदर, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस नॉइस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब नॉइस का जो कॉन्सेप्ट है, नॉइस का जो इफेक्ट है, जब आप जितना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करोगे ना, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? आपकी अगर इन्फॉर्मेशन को ज्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कराना है, तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करना पड़ेगा। जितना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करोगे, उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी इसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पावर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसमें उसका नॉइस का इफेक्ट उतना कम होगा। लेकिन जैसे जैसा आप फ्रीक्वेंसी सिग्नल लो यूज करोगे, तो नॉइस का इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा टॉलरेट होगा। समझ में? अभी ऐसा होता है ना, हम लोग में कैसा होता है कि जो थोड़ा कमजोर होता है, तो कमजोर के ऊपर स्ट्रांग वाला हमेशा क्या होता है, भारी पड़ जाता है। अब जो आपने अगर फॉर एग्जांपल आप बॉडी वाइज भी देखोगे, तो जो स्ट्रांगर पर्सन है वो हमेशा वीकर के ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट वैसे इसके अंदर भी है। अगर आपके सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी कम है, तो जाहिर सी बात है नॉइस का इफेक्ट उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करोगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करने की वजह से उसका नॉइस का जो डोमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइस, ध्यान होने से इसको लो, इसको फ्लिकर नॉइस भी बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ नॉइस आर जनरली ऑब्जर्व एट अ फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो फ्यू किलोहर्ट्ज। तो फ्यू किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में ये ऑब्जर्व किया जाता है, और यहाँ पे इसका नाम लो फ्रीक्वेंसी नॉइस से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज भी है। अब जब हाई टाइम, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी यूज करोगे, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करने पे भी उसका बिहेवियर फास्ट चेंज होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स उतना फास्ट रिस्पॉन्स भी करना चाहिए। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप यूज भी करोगे, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो डिवाइस के अंदर यूज हो रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स भी उतना फास्ट होना चाहिए। फिर तो उतना फास्ट फिर हो भी नहीं पाएगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब आपकी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, आप उससे उतना ही काम करवा सकते हो। अब आप और ज्यादा उसके ऊपर बर्डन कर दोगे, तो बर्डन करने में उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सैचुरेट हो जाएगा। अभी मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक साथ सारी चीज अभी सब एक्सप्लेनेशन देते चले जाओ, सब कराते चले जाओ, तो आप उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जितनी आपकी थोड़ी कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की, तो थोड़ा उतना अंडरस्टैंड करोगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी भी नॉइज होता है। व्हेन यू यूज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी में दो अंदर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है, उनके अराइवल में चेंजेस हो जाएगा। जो टाइम पे पहुंचना चाहिए था, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, तो कोई लेट पहुंचेगा, तो वो पर्टिकुलर टाइप के नॉइस को बोलते हैं ट्रांजिट टाइम नॉइस। दे आर ऑब्जर्व इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस व्हेन द ट्रांजिट टाइम ऑफ चार्ज कैरियर व्हाइल क्रॉसिंग अ जंक्शन इज कंपेयर विद द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिग्नल। यानी जो आपका बिहेवियर, जो ओरिजिनल बिहेवियर है, उस बिहेवियर के साथ में कंपेयर किया जाएगा ओरिजिनली आपका क्या चार्ज कैरियर किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज करोगे, तो वो पर्टिकुलर फिर उसके वेरिएशन आ जाएगा। जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो चार्ज कैरियर्स है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो होते हैं, जनरेट होते हैं, तो कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है जो जंक्शन के पास, कोई जल्दी से पहुंच जा रहा है जंक्शन पे, कोई स्लो पहुंच रहा है जंक्शन पे। तो ये चेंजेस इन अराइवल एट द जंक्शन, ये कॉज बनता है ट्रांजिट टाइम नॉइस। नेक्स्ट मैं आता हूं थर्मल नॉइस के ऊपर। थर्मल नॉइज भी बहुत आसान है। थर्मल नॉइज आर रैंडम एंड ऑफन रिफर्ड एज वॉइट नॉइज और जॉनसन नॉइज। थर्मल नॉइज आर जनरली ऑब्जर्व इन द रजिस्टर और द सेंसिटिव रजिस्टर कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस ड्यू टू रैंडम है। अब इसके अंदर बहुत सारे इसमें डिटेल में एक्सप्लेन है, मैं सिंपल में आपको समझाऊंगा। थर्मल नॉइज जो है, थर्मल नॉइज वो जो होता है वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ रजिस्टर। आपको पता है जब जैसे जैसे आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज करते रहोगे, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हीट की वजह से भी क्या होता है, रजिस्टर जो हो गए, ये सब जो कंपोनेंट्स हो गए, वो अपने बिहेवियर में वैल्यू में क्या करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 220 ओम का रजिस्टर यूज करा था, लेकिन कंटिन्यूस हीट होते 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 उसकी वैल्यू डिग्रेड हो गई। 220 ओम के बदले में वो काम करने लग गया, बन गया 200 ओम का। तो अब ये वैल्यू चेंज होने की वजह से अब क्या हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। जो आपका परफॉर्मेंस चाहिए था, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से वर्क कराना था, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से वर्क नहीं करेगा। Because of time, because of temperature की वजह से, continuously use होने की वजह से heat होता है, heat generate होता है, वो heat generate होने की वजह से वो particular components की behavior की value क्या हो जाती, change हो जाती है। तो वो change होने की वजह से आपका क्या हो गया, अब वो जो response होना चाहिए था, जो हिसाब से आपको travel करना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हो पाता है। तो these all are the causes, are the different types of noises which are generated inside or outside the electronic components.
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस। यहाँ पे क्वेश्चन जो था सिर्फ दो ही मार्क्स का था, लेकिन मैंने आपको जो डिटेल में पूरा दिया हुआ है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन अपने मार्क्स के हिसाब से देना है। दो मार्क्स का है तो चार पॉइंट इज सफिशियंट फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से नॉइस आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एटमोस्फेरिक नॉइस, इंडस्ट्रियल नॉइस, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस और एक्सटर्नल इंटरनल नॉइस, तो एक्सप्लेन करोगे मेन दो क्लासिफिकेशन में। तो इस तरीके से आपका ये पूरा वेटेज कवर हो जाएगा। फर्दर इसी में दो लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था ना सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे कंपैरिजन पूछा था दो मास का, कंपेयर बिटवीन सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स सिस्टम। तो सिंप्लेक्स के बारे में समझाया था इट इज वन वे कम्युनिकेशन, और डुप्लेक्स क्या है इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है और डुप्लेक्स सिस्टम में क्या होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर ऑल्सो, रिसीवर टू ट्रांसमीटर ऑल्सो। सेकेंड, इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है सिंप्लेक्स सिस्टम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट होती है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव साइमल्टेनियसली और नॉट साइमल्टेनियस, क्योंकि ये डुप्लेक्स आ गया ना, डुप्लेक्स में दोनों आता है, हाफ डुप्लेक्स भी आता है फुल डुप्लेक्स भी आता है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिटर और रिसीवर से साइमल्टेनियसली नहीं हो पाती, लेकिन फुल डुप्लेक्स में ट्रांसमिटर और रिसीवर से इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली क्या होती है ट्रांसमिट और रिसीव हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव साइमल्टेनियसली और नॉट साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली किसके लिए है ये फुल डुप्लेक्स के लिए, नॉट साइमल्टेनियसली किसके लिए है ये हाफ डुप्लेक्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आया गया टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेट्री, रिमोट कंट्रोल, तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके लिए आ गए सिंप्लेक्स में, जहां पे इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ गया वॉकी टॉकी, टेलीफोन, मोबाइल, रडार, फैक्स, पेजर। तो इसमें वॉकी टॉकी जो एग्जाम्पल है वो किसका है हाफ डुप्लेक्स का है, बाकी सब एग्जाम्पल किसका है फुल डुप्लेक्स का है। टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, रडार आ गया, फैक्स आ गया, पेजर, पेजर भी जो है वो आपका हाफ डुप्लेक्स है, वहां पे इंफॉर्मेशन आप एक जगह से मिलती है, तो पेजर इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ योर हाफ डुप्लेक्स। फैक्स, फैक्स भी आपका क्या है हाफ डुप्लेक्स है, एक टाइम पे एक ही जन बात करता है, एक ही तरफ इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, तो फैक्स इज ऑल्सो हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल आपके हो गए हाफ डुप्लेक्स के, वॉकी टॉकी, फैक्स, पेजर, बाकी फुल डुप्लेक्स में आपका टेलीफोन, मोबाइल, रडार, फुल डुप्लेक्स सिस्टम आ गया। चौथा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि टर्मिनल ए टर्मिनल बी, तो ट्रांसमिशन जो होता है वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी सिंप्लेक्स सिस्टम में। डुप्लेक्स में आपको हाफ डुप्लेक्स ऊपर वाला है, फुल डुप्लेक्स नीचे वाला है, सॉरी ऊपर वाला फुल डुप्लेक्स है, ट्रांसमिशन इज नाइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। हाँ, यहाँ पे ऊपर वाला जो डायग्राम है वो किसका है हाफ डुप्लेक्स का है, बता रहा है कि दोनों बाजू डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में आप लोगों को इधर पे नजर आ रहा है ये टर्मिनल ए से टर्मिनल बी भी इंफॉर्मेशन जा रही है और टर्मिनल बी से टर्मिनल ए भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकता यहाँ पे। दूसरी तरफ आपको इधर पे फुल डुप्लेक्स का डायग्राम दिया हुआ है, ये टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, दोनों तरफ एरो मार्क किया हुआ है, दोनों तरफ एरो मार्क किया हुआ है, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन एक साथ जा रही है, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन एक तरफ आ रही है, मतलब साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ट्रांसमिशन इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो ये फुल डुप्लेक्स का डायग्राम है, दोनों तरफ इन्फॉर्मेशन एक साथ फ्लो हो सकती है, आ जा सकती है, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही हो सकता है, इसलिए एरो मार्क यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, एरो मार्क सिर्फ इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो, या तो एक ही लाइन बना के दोनों तरफ एरो मार्क भी दिखा सकते हो, तो वो बाई डायरेक्शन सिस्टम बन जाएगा। इधर पे ऐसा भी दिया हुआ है एक लाइन इधर पे, एक लाइन इधर पे, इस तरफ एरो मार्क, इस तरफ एरो मार्क, आप एक ही लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ एरो मार्क शो कर सकते हो, वो फुल डुप्लेक्स सिस्टम का रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये था कंपेरिजन बिटवीन सिंप्लेक्स सिस्टम एंड डुप्लेक्स सिस्टम। सो टूडेज टॉपिक वॉट वी हैव कम्प्लीटेड नाउ, आज हम लोग ने जो अपना टॉपिक जो कम्प्लीट किए वो कम्प्लीट किए, हम लोग ने नॉइस के बारे में अंडरस्टैंड किए कि व्हाट इज नॉइस और व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहला दो क्लासिफिकेशन जो हुआ है नॉइस के बारे में, वो क्लासिफिकेशन कौन सा हुआ है इंटरनल नॉइस एक्सटर्नल नॉइस के बारे में हुआ है। फिर इंटरनल नॉइस एक्सटर्नल नॉइस में हम लोग ने अंडरस्टैंड किया एक्सटर्नल नॉइस में एटमोस्फेरिक नॉइस है, इंडस्ट्रियल नॉइस है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस है, और इंटरनल नॉइस में क्या क्या है, इंटरनल नॉइस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस सच एज शॉर्ट नॉइस, पार्टीशन नॉइस, लो फ्रीक्वेंसी नॉइस जिसको फ्लिको नॉइस भी बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस जिसको ट्रांसमिट टाइम नॉइस भी बोलते हैं, थर्मल नॉइस, तो दिस ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइसेस
which are generated inside or outside the electronic circuit, which will cause disturbance in our information signal while it is traveling over communication channel. फिर मैंने लास्ट लेक्चर का रिवीजन भी कराया जो बोर्ड में पूछा हुआ था कंपैरिजन बिटवीन सिंप्लेक्स सिस्टम एंड डुप्लेक्स सिस्टम. तो सिंप्लेक्स सिस्टम के बारे में भी हम लोग ने अंडरस्टैंड किया और इसका डायग्राम भी हम लोग ने अंडरस्टैंड किया. तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी. वी विल मूव फर्दर. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे. थैंक यू वेरी मच. स्टे एट योर होम. स्टडी करते रहो, पढ़ाई करते रहो. स्टे सेफ. Thank you very much.